दिवाली के 2 दिन के बाद आज भाई दूज का दिन है और हमारी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर आज हम लोग के घर पे आने वाली है। टोटल 3 मामा और एक मौसी, उनकी पूरी फैमिली हम लोग के घर पे शायद आ चुकी होगी। तो मैं नीचे आता हूँ और सबकी पेशी लेना चालू करता हूँ एक एक करके, हर किसी को पकड़ता हूँ एक एक करके। पोंगुमल क्या देख रहे? नेथु जी भूखू लगी क्या? हंस तो दो जरा। हम वहां पूजा करके बाहर आ गए। अरे वहां से पूजा करके आप आए, इधर घुस गए, दूसरी पूजा चालू कर दी आपने। लेडीज डिपार्टमेंट पूरा लगा हुआ है, खाना मस्त बनाने हैं। मम्मी क्या बन रही? पूड़ी या रोटी है? भी अच्छा रोटी बन रही है। तो तुम्हारा वो अमर खाने का सीन इस ब्लॉग में भी आ ही आएगा, लोग तुमको फिर से खाना खाते हुए देख ही लेंगे। अरे ये भी आया बिंगो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ओमी तुम में आ गए। लो मम्मी और मामी कांकड़ बनाते हुए, जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये रहेगा, मुझे सिर्फ खाना है, मुझे मैंने कुछ हेल्प नहीं करी बनाने में। हाँ हाँ मम्मी बन गए दिख रहे हैं, और पीछे थोड़ी गन्ने की वो भी दिख रही है। मेधु त्योहार वास्ते पापड़, अभी खाना नहीं लग रहा तो पापड़ ही चालू कर जाओ तुम। अंकल इंस्पायर करके चले गए तो मेरे, अरे लाइट लेके ना आ रहा है यार। मामी श्री आ गई, सबसे बड़ी मामी हमारी ये है, इसका ये आपकी रिकॉर्डिंग अभी आपको पास बाद में आते हैं, कल बड्डू आम के पास जाते हैं। बड्डू आम बड़े सीरियस लुक में आ गए यहाँ पर, ऐसे ऐसे ही आएगा आपका, आप पूरे शहर में दिखा देना। चालू हो गया खाना अब। वाह मत, इसी का तो वेट कर रहे होंगे लोग की। ये हमारे मामा जी और मामी जी का फोटो सेशन होता हुआ मस्त। ये कहाँ ले रहे हो आप गलियारे में? ऊपर चले जाओ, ऊपर है शायद ऊपर कुछ सीन मिल जाए अच्छे, यहाँ पर वीडियो लिया जा सके, वीडियो नहीं एक्चुअली यहाँ पर फोटो ले जा सके। इस गार्डन जो भी है यही है। मम्मी इस पे ले लो वो गेंदा, गुलाब तो है नहीं तो गेंदे के फूल पर इस तरह नहीं करते हैं सर पकड़ के। हाँ ये इस तरह। कुड़ू आंटी आप भी मम्मी की स्पीड में काम करने लगे हो। आपसे इंस्पायर हो ही गए, मतलब आपने हमारे अंदर के ब्लॉगर को जगा दिया। कर रहे थे ये इसको किया आज रिकॉर्डिंग, लेकिन आपने आके हमको जगा दिया और अब हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दी और आपका 15 मिनट का सेशन है स्पेशली सिर्फ आपका। अजा पहलवान मेनु एक बात बताओ, पहले तुम एक थाली लेते थे, इस बार तुमने एक थाली के अंदर कई थाली ले ली, मतलब यार भाई कहाँ जाएगा, बॉडी पे दिख ही नहीं रहा आपके, लेकिन इतना खाना। ओ जी देसी खाना अपना रेडी सी, ये देखो चपाती दाल पनीर की सब्जी, उसके बाद लड्डू रखे हैं और वो गक्कड़ मस्त, और चटनी कहाँ गई? चटनी ये रखी सी, इधर रखी है मस्त, और जस्ट पीछे मेधु भाई हमारी रेडी है खाना दे। खाना देख खाना देख कर उस पर टूटने के लिए जस्ट पीछे खड़ी थी। नहीं एक्चुअली वो देखो मेरा वो ट्राइपॉड लेके खड़ी हुई है, मेरी हेल्प कर रही है। पांव का टॉम क्रूज लुक। अम्मू अम्मा ने अकेले श्री गणेश कर दिया खाने का। पापा मोबाइल तो छोड़ दो, खाना खा लो कम से कम। वाह इतने आगे कारी हो गए आप, थाली आ रही है आपकी। उसने टीका लगाया, गिफ्ट तो दे उसको। अंकल आपको स्पेशल टाइम चाहिए, मतलब 10 मिनट के लिए आपका अलग से इंटरव्यू लेने के लिए। ये पो सबसे यूनिक है, अंकल खाना भी खा रहे हैं और टीका भी लग रहा है।
अंकल ऐसा ना आज तक कभी हुआ होगा ना होगा। वो मोमेंट फाइनली आ गया जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेधु ने खाना चालू कर दिया है। 3, 2, 1। मेधु वो सीन आ ही गया तुम्हारा, हर एक वीडियो में खाने का सीन इस बार भी आ ही आएगा, लेकिन इस बार एंड होगा, इस बार शुरुआत नहीं होगी खाने से, इस बार खाने से एंड होएगा। खा लो बस। हाँ कहाँ जा रहा है, इधर आ जा। ओ जी बिना मीठा के खाना कैसे खत्म हो जाता है। तो ये रही 80 खीर, ये अपुन ही खाएगा पूरी, बाकी किसी को बाकी समय टरका दूंगा, ये पूरी की पूरी अपने पेट में जाएगी। खाने के बाद कुन्नू आंटी को नींद आती हुई है। कुन्नू आंटी नींद आ रही, कुछ बोल रहे थे ना अंकल, मेकअप कर रहे जनरल अंकल, मेकअप करने गए ये बोल रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को टीका लग रहा है, ये बैठ ही नहीं रहा है, वो सुन ही नहीं रहा किसी की। सिट और छिट, वो कुछ और ना कर दे पता, बैठने की जगह छिट ना कर दे वो। तो जी पूजा वगैरह आज का दिन होता है खत्म, सब लोग अब वापस जा रहे हैं अपने अपने घर पर। ये फाइनल प्रिपरेशन चल रही है, क्लीनिंग चल रही है घर पर, और 2-3 मिनट के बाद स्लोली लोग निकल रहे हैं। बड्डू मामा का अनिल कपूर लुक, मतलब बड्डू मामा कह ढा दिया इसमें, तो अनिल कपूर फील हो गया अभी। ये सामने तो और ले लेते हो, मस्त लग रहे हो। बड्डू मामा बुलेट ले रही थी इनफील्ड, उस पर और सही लगते। बड्डू मामा देख ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे। तो दैट्स इट, ये वाला वीडियो अभी ख़त्म नहीं होता है, अभी हम लोग निकल रहे हैं दमोह के लिए, तो थोड़ा सा कंटिन्यू वहाँ पर करेंगे, अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को। मेरा प्यारा सा बैग रेडी है, लैपटॉप वगैरह ऊपर रखे हुए हैं, वहाँ से लैपटॉप लेके पट दमोए निकलो दमोए। फौजू चले ससुराल, मेधू के घर, सौजू के ससुराल। रास्ते में जाते समय एक शहर पड़ता है बरमान, यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा दिखता है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर रुक के ये मोमेंट को कैप्चर किया जाए। तो ऐसे बोलू ऐसे ऐसे क्या बोलना है, तुम बोलो भाई। आपका माइक खराब है, सड़ा सा माइक, धीरे बोलो तो आवाज नहीं आती, तेज बोलो तो आवाज खराब आती है, और सड़ा सा मोबाइल, क्योंकि कभी भी फोटो ले लो तो फोटो अच्छी नहीं आती है। इंडिया के बाहर जाके बोले आओ ना वायरलेस माइक, इंडिया के बाहर से मिल जाएगा वायरलेस माइक, तो एक बार ट्रिप मार लो जरा। तुम दे दो 1-2 करोड़ दे दो, ट्रांसफर कर दो। ये मेरी सबसे बड़ी मामी है, और हम लोग के लोकल जिले में, हमारे जिले में मामी बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, यहाँ उनको हर कोई जानता है, और हमारे ज़िले में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट करी है। हाँ मामी, आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना सारा काम करते हैं, तो अगर छोटा सा कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, आई नो कि ये राइट फोरम नहीं है, पर स्टिल कुछ मैसेज मिल जाए हमारे ब्लॉग से किसी को तो क्या बुरा है। रोजाना नई घटनाएं सुनने में आ रही हैं, कभी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, कहीं लूटामारी हो रही है, और जो हमारी महिला शक्ति है वो बिल्कुल ही छीनहीन हो रही थी। तो ऐसे में हम लोगों ने नरसिंहपुर में नारी ब्रिगेड बनाई। नारी ब्रिगेड में है मेरे ही साथ की बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, और हम सब लोग एक हो गए, और हमने हर समस्या के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं आंदोलन शुरू कर दिया। नरसिंहपुर में हम लोग की जो भी समस्या रहती है, किसी भी महिला की कोई समस्या रहती है, हम उससे रिलेटेड अधिकारियों से जाकर के मिलते हैं, उन्हें ज्ञापन देते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनका हम लोग खुद ही अपने स्तर पर निवारण करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।